मैं कंसीव नहीं कर पाती थी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी। हमने बहुत मल्टीपल ट्रीटमेंट्स भी करवाए, आईवीएफ्स करवाए, लेकिन कभी भी इट डिडंट वर्क, कभी भी वो काम नहीं किया। मेरी मम्मी ने अबॉर्ट करे हैं, मेरी मासी के 2 मिसकैरेजेस हुए हैं और मेरी छोटी वाली मासी ने भी 3 या 4 बच्चे अबॉर्ट करे हैं। फिर मेरी नानी ने भी 3 या 4 बच्चे अबॉर्ट करे हैं। इतने सारे अबॉर्शंस, इतने सारे मिसकैरेजेस, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम बार बार कोशिश करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और मैं कंसीव नहीं कर पाती थी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी। हमने बहुत मल्टीपल ट्रीटमेंट्स भी करवाए, आईवीएफ्स करवाए, लेकिन कभी भी इट डिडंट वर्क, कभी भी वो काम नहीं किया। सो जब तीसरा आईवीएफ फेल हुआ हमारा, तो मुझे बहुत बड़ा उस चीज़ का धक्का लगा और मैं लिटरली 8-10 दिन तक सोई नहीं बिल्कुल भी। और इन दी एंड मैं अपने हस्बैंड को बेग करती थी कि मुझे कुछ मेडिसिन्स दो ताकि मैं सो जाऊं, क्योंकि मुझसे अब ये बेयर नहीं हो रहा है कि मैं सो नहीं पा रही हूं। और इवेंचुअली मुझे बहुत सारे साइकेट्रिक मेडिसिन्स पे डाला गया और फिर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस उठने लगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ किया नहीं है कि मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। और ये नॉलेज मेरे अंदर हमेशा से रही है कि मुझे बेबीज़ नहीं होंगे, और ये बार बार मेरे अंदर आ रहा था कि मुझे जब पता था कि मुझे बेबीज़ नहीं होंगे, क्या मैंने उसे विल करा, क्या मैंने उसे ऐसा था कि मैंने सोचा इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या और कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर ऐसा हुआ कि एक वर्कशॉप मैंने ऑनलाइन देखी, तब तक मुझे डॉक्टर न्यूटन के बारे में पता चल गया था कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के पायनियर हैं इंडिया में। तो उनकी एक वर्कशॉप मैंने ऑनलाइन देखी और मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं अभी। तो उसने, क्योंकि वो जानता था कि मैं किस तरह अपने आप को संभाल रही हूँ और किस चीज़ से गुजर रही हूँ, तो उसने बोला कि ठीक है तुम जाओ, डोंट वरी, और मैं मैनेज करूँगा, यू गो फॉर द वर्कशॉप। सो मैं इवेंचुअली मैं गई और मैं चली गई वहाँ। वर्कशॉप में पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि वो फैमिली कॉन्स्टलेशन की वर्कशॉप थी। फैमिली कॉन्स्टलेशन एक ऐसी वर्कशॉप है जहाँ पर हम अपने जो एंसेस्ट्रल लाइन, जिसका मतलब है हमारी जो पूर्वज उनके जो ब्लॉक्स हैं, हम जब एक परिवार में जन्म लेने का ठानते हैं तो हम उन सारी चीज़ों पर हाँ बोल देते हैं जहाँ की हमारे पूर्वजों ने जिन ब्लॉक्स या पैटर्न्स के साथ वो यहाँ पर आए हैं। तो वैसा ही मैंने किया ऑब्वियसली, और वो सारे पैटर्न्स मेरे साथ चलने लगे। और वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें करने के लिए बोली गई वो था कि हमें फैमिली ट्री बनानी थी हमारी, और उसमें न्यूटन सर ने कहा कि आप सारे मिसकैरेजेस को इंक्लूड करें, सारे अबॉर्शंस को इंक्लूड करें, सारे मर्डर्स को इंक्लूड करें, और ऐसी सारी एंटिटीज़ को इंक्लूड करें जो आपकी फैमिली से जुड़ी हुई हैं। और जैसे जैसे मैं फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करा, मैंने ऑल्दो ये मुझे पता था, ऐसा नहीं था कि ये नॉलेज मेरे पास नहीं थी, पर जब वो पेपर और पेन के साथ मैंने लिखना स्टार्ट करा तो मैंने रियलाइज़ करा कि मेरी मम्मी ने 3 से ज़्यादा बच्चे अबॉर्ट करे हैं मेरी। और फैमिली कॉन्स्टलेशन में होता क्या है कि हमारे मटर्नल लाइन जो है वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो मेरी मम्मी ने अबॉर्ट करे हैं, मेरी मासी के 2 मिसकैरेजेस हुए हैं और मेरी छोटी वाली मासी ने भी 3 या 4 बच्चे अबॉर्ट करे हैं। फिर मेरी नानी ने भी 3 या 4 बच्चे अबॉर्ट करे हैं। सो जब मैंने ये देखा तभी मुझे ये क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं इसका बैलेंसिंग जो है वो मेरे साथ हो रहा है। Just the first thing, वो पहली चीज़ जो हमें वहाँ पर बोली गई करने के लिए, जैसे ही मैंने पेन एंड पेपर में वो देखा तो मैंने देखा कि इतने सारे अबॉर्शंस, इतने सारे मिसकैरेजेस, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो हो सकता है मेरा जो प्रॉब्लम है वो इससे रिलेटेड हो, और वहाँ से ही मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। इन दी एंड वो मेडिटेशंस जब कराते थे फैमिलियल लाइंस की, या उन बच्चों के बारे में सोचने की जो मिसकैरेज में या अबॉर्शंस में जा चुके हैं, तो मुझे ऐसे लाइन से वो बच्चे दिखते थे। उस वर्कशॉप पे मैंने पहली बार मैं मेडिटेशन या आंखें बंद करके इस तरह की एक्सपीरियंसेस कर रही थी, तो वो बच्चे मुझे लाइन से दिखते थे। और फिर वर्कशॉप के दौरान सर ने बताया कि अगर ऐसा होता है एक फैमिली में, बहुत पैटर्न अगर रहता है, तो जो फर्स्ट बॉर्न होता है वो अपने ऊपर ले लेता है उसे ऑफसेट करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए। के आप फर्स्ट बॉर्न? या मैं पूरे मेरे मटरनल लाइन में मैं फर्स्ट बॉर्न हूँ। तो वो मुझे समझ में आया कि ये बर्डन। फिर इवेंचुअली एक मेडिटेशन में मुझे ऐसा था कि जो बच्चे अबॉर्ट हुए हैं उसमें लड़कियां ज़्यादा थी और वो इट वाज अननोन, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बाय चॉइस कि फीमेल को हमें मारना है, वैसा नहीं, बट लड़कियां ज़्यादा थी। और वहाँ पर मुझे ऐसे एकदम से एक मैसेज आया कि यू नीड टू अडॉप्ट अ गर्ल। और फिर मैंने बस डिसाइड करा कि नहीं, मुझे करना है। और मैंने वापस आकर बोला गौरव को कि मैं रेडी हूँ, गौरव इज़ माई हस्बैंड, कि जब तक जो ध्यान में सीखा वो जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक उस ध्यान का कोई भी फायदा नहीं है। उस ध्यान को जीना पड़ेगा, वो ध्यान जो भी सिखा के जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने जीवन में।